गुरु तेग बहादुर जी गुरुद्वारे के अंदर टोहाना में, और यहाँ पर पूर्व कृषि मंत्री के भतीजे दिलशेर सिंह हमें यहाँ पर मिल गए। आइए इनसे भी जानकारी लेंगे कि यहाँ पर किस लिए आए हैं, क्या कार्यक्रम है। तो दिलशेर जी आप बताएं, यहाँ पर आए हैं जैसे क्या कार्यक्रम था यहाँ? तो आज हम 12 वार्ड में हम और हमारे जो भी साथी है, जैसे निखिल हो गए, अमन हो गए, इन्होंने आज ये कैंप रखा है जहाँ कोवैक्सीन जो भी 18 से ऊपर है उनको कोवैक्सीन लग रही है और कोई भी यहाँ पर आके वैक्सीन लगवा सकता है। और अगर ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अब तीसरी लहर कोरोना की अब कह रहे हैं 2-3 महीनों में आ सकती है, उसके निपटने के लिए और उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम ये कैंप रख रहे हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके, कम से कम सुबह से 150 लोग लगवा चुके हैं और हमारी आशा है कि और लोग अभी आए और वैक्सीन लोगों को लगे। अगर तीसरी लहर आती है उससे निपटने के लिए ये एडवांस में, अगर मालिक करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर आती है उसके लिए भविष्य में कोई दिक्कत ना करें, तो सर अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की से हटकर ये, तो क्या कुछ जैसे पूर्व कृषि मंत्री जी परमवीर जी वो भी कार्यक्रमों में जैसे दिखते हैं, आप भी हैं फील्ड में, तो क्या लगता है आने वाले समय में कैसी तैयारियां हैं कांग्रेस पार्टी को टोहाना की अगर बात करें? अभी तो देखो जी, मैं इतनी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा जी, क्योंकि अभी तो हम इलेक्शन उलेक्शन की कोई आसपास में नहीं है जी। हम तो बस अभी जो समाज सेवा हम कर सकते हैं जी, जो देश का भला हम कर सकते हैं, हम अभी के लिए करेंगे। वो बात की बात है जी, अगर लोगों को पसंद आया कि हम क्या कार्य करते हैं समाज के लिए, तो ज़रूर जी लोगों का सहयोग हमारे साथ रहेगा। तो आप युवा हैं, अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल की जो सरकार है, जो कार्य प्रणाली है, किस प्रकार आप देखते हैं, आप कितना संतुष्ट है या कितने आप सवाल उठाते हैं? तो आज मैं सिर्फ टीकाकरण की बात करूंगा क्योंकि आज जो हमारा वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है, अगर आप देखें अमेरिका जैसा देश 50% वैक्सीनेशन उनको लग चुके हैं। हालांकि कल ही चीन ने 100 करोड़ वैक्सीन लगाई है जी, पर वहाँ पर ना आप उनकी तस्वीर देख सकते हो सर्टिफिकेट पर और ना टीकाकरण टीका उत्सव जैसे वहाँ पे कोई कार्यक्रम हो रहे हैं। तो वो सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में है। अभी हालांकि 2 दिन पुरानी खबर थी कि हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि कितने टीके लगे, पर मध्य प्रदेश में एक दिन 4,000 लगे, उस दिन मैक्सिमम फिर से 4,000 पे गिर गए। हमारे को वो मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए हमारे को इन छोटी छोटी संस्थाओं के थ्रू हमारे को वैक्सीन लगवानी पड़ रही है क्योंकि सरकार इतनी तेज़ी से वैक्सीन नहीं लगा पा रही है। तो सर टोहाना की अगर बात करें तो आप यहाँ कैंप में भी आए हैं, तो आप अपनी तरफ से किस प्रकार लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखो जी, साफ सी बात है, जागरूक करना भी इसलिए ज़रूरी है, पहले मैं ज़रूरी बताऊँ क्यों है, क्योंकि सेकंड दूसरी लहर आई इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जागरूक नहीं थे। हमने सरकार से ना अस्पताल मांगे, हमने ना ऑक्सीजन मांगे, हमने ना उनसे दवाइयाँ मांगी, इसलिए एकदम से प्रेशर पड़ गया जब वेव आई, क्योंकि मोदी जी तो खुद कैंपेन में बिजी थे। पर अब यही है जी कि वैक्सीनेशन लगाएं जी लोग और इस महामारी के खिलाफ लड़े, ये एक ही तरीका है जी बचने का सबका और अस्पताल में ना दाखिल होने का। तो एक ही तरीका है बचने का। तो आखिर में टोहाना वासियों के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश? मैं बस ये कहना चाहूँगा जी कि जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन लगवाइए, चाहे कोविशील्ड होए, चाहे कोवैक्सीन होए, चाहे स्पुतनिक होए, कुछ भी मिल जाए जल्द से जल्द लगाइए। अपने परिवार वालों को बोलिए, अपने आसपास अपने भाइयों को बोलिए जिसके साथ आप घूमते हैं, और इस महामारी के खिलाफ लड़िएगा जी। शुक्रिया। तो ये थे दिलशेर जी जो अभी कैंप में हमें यहाँ मिल गए और आपसे रूबरू करवाया। तो आगे फिर आपको कैंपों को लेकर भी जानकारी देते रहेंगे और व्यक्ति विशेष से भी आपको मिलवाते रहेंगे। बने रहे TVN न्यूज़ के साथ।